मजा आया। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और यहाँ पर हम लोग अभी नहा धो के आए हैं, मतलब कि मुझे कंघी करनी थी ना, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और अभी हम सब लोग नहा के निकल रहे हैं दर्शन के लिए। सब लोग नहा चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा ना, जल्दी हो गया। आ जाओ नानी, बीच में आ जाओ। मैंने आज ना पहली बार अपनी फुल ड्रेस पहनी है, नहीं तो मैं कभी पहनती नहीं है। किसी का पैंट होता है तो किसी का टॉप होता है, आज पूरा फुल अच्छा लग रहा है। देखो रोड़ा तो सब जा रहा है हवा में ऐसी भयंकर। और अभी हम लोग आ पहुंचे हैं तोरण द्वार पर, और यहाँ पर पैर छूने के बाद ही हम अंदर निकलेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि ये आजकल जो छापे से टीका लगाते हैं, ये कितना ट्रेंड पर चल रहा है, मतलब कि हर मंदिर में मकूम है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या देखा कि वो इतने सारे लोग घूम रहे हैं, और जिसके चेहरे पे देखते हैं कि इनके चेहरे पे टीका नहीं लगा है, राधे राधे नहीं लगा, तो आके सीधे लगा देते हैं। और पैसे तो फिर आपको देने ही पड़ते हैं। लेकिन मैंने बताया कि वो पूछते उछते नहीं है, बस आपका फेस देखते हैं कि आपके फेस में लगा है कि नहीं है, और डायरेक्टली लगा देते हैं आके। लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर मैं मौसी अभी आए हैं दुकान में, प्रसाद ले लेते हैं। तो मैं मौसी पूछ रही थी क्या क्या लेना है, तो मैंने कहा मौसी जो भी लेना हो, जो चढ़ता हो वो बता दो आप। तो यहाँ पर यहाँ का फेमस प्रसाद बाबा जी का यही है, पेड़े शुद्ध, और ये जो चूरमा बनना है, चूरमा ये भी बहुत चढ़ता है यहाँ पर, ये पेड़े। तो हम लोगों ने यही प्रसाद लिया है बाबा जी के लिए। मंदिर के गेट से ही इतनी भीड़ लगी थी, बहुत से लोग पैदल जा रहे हैं। वो जो निशान उठाते हैं ना, तो वो काफ़ी दूर से उठाते हैं, हम लोग तो बस तोरण द्वार से ही पैदल चल के आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा पहले से। और वो लोग तो मतलब जहाँ से निशान उठाते हैं वहीं से पैदल चल के आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर से निकल के जाएंगे जहाँ दर्शन के लिए जाना है घूम के। और काफ़ी भीड़ है, मतलब कि भीड़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एकादशी को ही भीड़ होती है, यहाँ पर डेली ही इतनी भीड़ होती है। और यहाँ पर दुकानें देखो कितनी सारी, बहुत मस्त मस्त दुकानें हैं, प्रसाद की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें एकदम फुल। और मतलब कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था घूमने में। जो भी और अभी हम लोग चलते चलते आ पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर हमारे बाबा जी बैठे हैं। तो यहीं पर से दर्शन रेलिंग से ही मिल जाते हैं, इतनी भीड़ होती है कि वो लोग भी क्या करें, मतलब कि आप जल्दी से दर्शन कर लो, एक झलक देख लो और सीधे निकल जाओ, इतनी भीड़ रहती है। आपको ना 2 मिनट खड़े होकर आप उनके अच्छे से पैर भी नहीं छू पाते। और इतने प्यार से गुलाब खरीदे थे, लेकिन वो तो बाहर मतलब कि एक डिब्बा सा बना हुआ है, वहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर फूल और प्रसाद यहाँ पर चढ़ाएं, बस वहीं पर रख दिए बाबा जी के पास, तक तो गए नहीं। लेकिन कुछ नहीं, बाबा जी को देख लिया आँखों से भर के, वही अच्छा है। लेकिन अब मतलब कि भीड़ के हिसाब से होता है, अगर कम भीड़ हो तो आपको आराम से अंदर जाने के लिए मिले, फूल चढ़ाने के लिए मिले। लेकिन इतनी सारी भीड़ है ऐसे तो फिर बाबा जी भी परेशान हो जाएंगे और हम लोग भी नहीं मानेंगे। तो क्या है कि ये करना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने प्रसाद और फूल वहीं उस डिब्बे में ही डाल दिए थे पैर छू के। और ये दूसरी जगह का स्थान है, मतलब कि बाबा जी की ही मूर्ति मंदिर में कई जगहों पर रखी है, कि जो लोग मतलब कि वहाँ पर अच्छे से पूजा ना कर पाए और मतलब कि प्रसाद अरसाद उनको ना सही से चढ़ा पाए, तो और भी जगह जाके उनके दर्शन पा सकते हैं। इसलिए मंदिर में वो स्थान के अलावा और भी कई जगह हैं जहाँ पर सारे भगवान जी हैं, वहाँ पर खाटू जी की भी एक मूर्ति बनी हुई है। और वहाँ
यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले, थोड़ा सा चले तो यहाँ पर एक भोलेनाथ जी का मंदिर मिला जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर शिवलिंग रखी है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था तो यहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद हम लोग बाहर निकल लिए और बस जाके रहे हैं कि कहीं पर अब नाश्ता कर लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 2 बज गए हम लोगों को सुबह से घूमते घूमते, और नानी को भी दवा ववा खानी होती है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किया। और यहाँ पर ये खाटू का फेमस है यहाँ पर कढ़ी और कचौड़ी, तो हम लोगों ने बस नाश्ता किया और उसके बाद एक दुकान में आके रेस्ट किया। देखो हम लोग ना दोपहर में सो भी चुके और मैं तो काफी ओढ़ के भी लेटी रही थी, खूब पसीना भी आ गया, खूब चेहरा भी पोछा, लेकिन मेरा राधे राधे खराब नहीं हुआ, नानी का हो गया, मौसी का नहीं हुआ। हम लोग आए हैं थोड़ा सा, मतलब कि नानी मौसी वहाँ पर ही दुकान में ही बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोग चले जाते हैं जहाँ पर बस खड़ी हैं, होटल बनी है, लेकिन नानी इतना पैदल चल नहीं पाती, बहुत धूप भी हो गई थी, इसलिए फिर नानी को मौसी ने वहीं दुकान में ही जहाँ से प्रसाद लिया था ना वहीं पर उनको रेस्ट करने के लिए बोल दिया, तो वहीं पर लेती हैं। और यहाँ पर मामी ने ना लड्डू गोपाल जी की ड्रेस मंगाई हुई थी, तो बस मामा बोल रहे थे कि चलो उनके लिए ले लेते हैं चल के, तो मैं और मामा और विवेक आए हैं तीनों लोग कि वापस से बाज़ार घूम लेते हैं हमको क्या क्या लेना है। लेकिन एक बात बताऊँ, यहाँ पर महंगाई बहुत है, जहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर महंगाई बहुत होती है। देखिए ऐसा नहीं है लेकिन हमारे यहाँ शहरों से यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ वाला चंदन ना मेरा छूट गया पसीना पसीना, तो फिर मैंने उसको अच्छे से छुटा दिया। यहाँ का तो पेट्रोल है, चार्ज हो जाएगा तो चार्ज, थोड़ी से मुझे भी खिलाओ। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा तोरण द्वार पर गए थे मैं और भाई की, चलो एक आध रील शूट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से लौट के आए तो विवेक बोला कि चलो गोलगप्पे खा लेते हैं, तो मैंने कहा हाँ चलो खा लेते हैं, और बस हम लोग गोलगप्पे खा के निकल रहे थे। तो यहाँ पर देखिए पानी की बोतल जो है ना वो मिट्टी की बनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन बस फूटने का डर रहता है ना, लेकिन मौसी कह रही थी ले लें लेकिन फिर नहीं। और अभी हम लोग ना बस में बैठ चुके हैं, सुबह हम लोग 7 बजे से दर्शन कर रहे हैं, अभी 5 बज रहा है ना मौसी, हाँ 5, हम सुबह 7 बजे से और 5 बजे तक वहीं मंदिर में ही रुके हैं, वहीं पर सब कुछ किया, बस अब हमारी बस थी तो अब हम लोग निकल रहे हैं। और कब तक पहुंचेंगे? सुबह पहुंच जाएंगे हम, 4-5 बजे मुरैना पहुंच जाएंगे सुबह, तो दर्शन वर्शन सबसे अच्छे हो गए, बस अब निकलते हैं। अभी बस इतनी जल्दी निकल जरूर आई है लेकिन रुकते रुकते जाएगी, आराम से पहुँच जाएंगे। आज फिर से पूरी रात का हम सफ़र करेंगे ना, लेकिन रात का सही लगता है बस में, हाँ बस में दिन का सफ़र करना पड़े ना इतना लंबा तो काफ़ी बोर हो जाए, परेशान हो जाए, रात को थोड़ा सा नींद नींद में कट जाता है टाइम। अभी हम लोग खाटू से निकल के आई हमारी बस और अभी हम लोग जयपुर आए हैं, और जयपुर हम ठीक उसी टाइम पहुंचे, मतलब कि जैसा अभी का मौसम हो रहा है ना हल्का अंधेरा जो हो रहा है ऐसे ही हमारा सुबह का टाइम जयपुर में बिल्कुल यही सीन था, और बस यहां से निकलते हैं। लेकिन भाई जयपुर में इतना भयंकर जाम लगा हुआ था, ये देखिए जाम ना पूरा 1 घंटा में खुला था, बड़ी सिटियों में ना यही दिक्कत रहती है, एकदम जाम लग गया था और लग ही गया। और यहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा होटल के पास रुकी थी, तो मामा बोले किसको किसको खाना खाना, किसी का मन नहीं था, तो फिर मामा ये सबके लिए कचौड़ी और चाट वगैरह ले आए थे, तो फिर हम लोगों ने यही खाया था क्योंकि ज़्यादा मन नहीं हो रहा था। और यहाँ पर देखिए बस और जयपुर से बाहर निकले तो इतना भयंकर मौसम हो गया था, तूफान भी आ रहा था, बारिश भी हो रही थी, और देखिए बिजली कैसे कड़क रही है, नीचे ऐसे में खड़े हो जाओ तूफान में तो बस तो कम हिल रही है बाहर जाके, देखो पूरी बस तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है बाहर और बस के अंदर सब लोग बैठे हैं, बस भी हिल रही है, ये देखो तूफान की वजह से बस बहुत हिल रही है। और एक दूसरी घटना और बताएं, हमारी बस जो
तो उसका टायर भी एक पंचर हो गया, तो उसकी वजह से वो घटना टूट के गिर गया। और तीसरी घटना बस के सामने वो जो रास्ते में बैनर नहीं लगे रहते हैं वो टूट के गिर गया। तीसरी घटना ये, उसकी वजह से और रुकी पड़ी है। हाँ गरवा बीच रोड पता है कितने पेड़ टूट गए, पैर से जोड़ो तुम दोनों रोड बड़ा वाला जो ग्रीन ग्रीन बैनर लगे अपने बस चलिए तो पता नहीं चला। पेड़ सही के इतने गिर पड़े बैनर चौकन पेड़ से। मौसम इतना खराब हो गया था कि बैनर तक टूट के गिर गया। इतना भयंकर तूफान चल रहा था। हम लोगों को जहाँ मुरैना 5 बजे पहुँचना था सुबह, वहाँ हम लोग पहुँचे थे मुरैना 11 बजे के टाइम पहुँचे थे, 10 या 11 बजे के टाइम पहुँचे थे। तो बस अभी हम लोग घर आए हैं और मौसी ने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी, तो बस मैं चाय छान के लेके आई हूँ। और बस इसी के साथ ये वाला वीडियो करूँगी एंड। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और आई होप आप लोगों ने भी मेरे साथ खाटू जी के दर्शन किए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक लिए बाय बाय, मिलेंगे अपने अच्छे से।